नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत गर्माती हुई। राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट कर निशाना साधा। पीएम संसद भवन का उद्घाटन न करें कहना राहुल गांधी का, राष्ट्रपति को उद्घाटन करना ही चाहिए। राहुल गांधी का कहना 28 मई को पीएम को इसका उद्घाटन करना है, जिस पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। 11:21 पर यह राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किया गया, अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया गया है। नए संसद भवन पर ये जो उद्घाटन है उस पर सियासत किस तरीके से तेज होती हुई, राहुल ने सीधे निशाना साधा ट्वीट के माध्यम से कि पीएम संसद भवन का उद्घाटन न करें, राष्ट्रपति जी को उद्घाटन करना चाहिए। 28 मई को पीएम को इसका उद्घाटन करना है, तो उससे पहले किस तरीके से इस पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। राहुल का ट्वीट हम आपको पढ़कर बता रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए। रवि त्रिपाठी हमारे साथ। रवि त्रिपाठी, उद्घाटन पर तकरार अब खुलकर सतह पर सामने आ रही है, राहुल गांधी का ट्वीट, इसके सांकेतिक मायने क्या समझें? खुलकर प्रहार, सीधा अटैक है एक तरह से। इसमें देखा जाए तो उसमें राहुल गांधी ने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, सीधा लिखा है कि इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री को नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए, और ये इसमें कोई सुझाव अलग से नहीं है। और इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी चुनावी जो माहौल चल रहा है एक तरह से कहा जाए, उसमें एक उन्होंने एक और एक तरह से कहा जाए एक और विवाद को जन्म दिया है। और इसके बाद अब चर्चा शुरू होगी कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री को करना चाहिए इसका उद्घाटन, और क्यों राष्ट्रपति को करने के लिए राहुल गांधी इस बात की वकालत कर रहे हैं चाहे ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, दरअसल सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं आप जानते हैं, लेकिन देश के मुखिया जो है देश के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, अगर संविधान की वजह से तरह से देखा जाए तो। हो सकता है राहुल गांधी की अपनी सोच है, उनको लगता है कि हर चीज का क्रेडिट प्रधानमंत्री लेते हैं, उनको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए जिस तरह से अगर ये बन रहा है, पार्लियामेंट बन रहा है। और इसमें बकायदे आप देखिए कि इसमें ओम बिरला जो स्पीकर है, बेसिकली संसद का भवन जो होता है, संसद भवन के जो इंचार्ज होते हैं जो जिनके अंडर में होता है वो स्पीकर होते हैं, और स्पीकर ने जाकर इन्वाइट किया है 18 तारीख को प्रधानमंत्री को कि वो आकर इसका उद्घाटन करे, तो स्पीकर का ये प्रोरोगेटिव होता है। लेकिन एक बहस को जरूर उन्होंने जन्म दे दिया है कि इसका उद्घाटन, चूंकि आप जानती हैं कि अगर पार्लियामेंट का कोई भी सत्र, पहला सत्र जो होता है साल का, देश की मुखिया होने के नाते, सरकार का के जो एक सर्वे सर्वा होने के नाते, राष्ट्रपति उसके ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करती हैं, जो भी रहते हैं चाहे रहती हैं वो एड्रेस करते हैं उसको सेशन को, और इस साथ ही साथ चाहे तो सरकार जब पहली बार कोई सरकार बनती है, नई सरकार बनती है, तब भी राष्ट्रपति ही उस दोनों सदनों के संयुक्त सेशन को एड्रेस करती है। तो एक विवाद को जन्म उन्होंने दिया, अब इस पर चर्चा होगी। हालांकि इस चर्चा से कुछ होना नहीं है, चूंकि मैंने कहा कि ये स्पीकर ने उनको इन्वाइट किया है, स्पीकर चूंकि सर्वे सर्वा होते हैं सदन संसद पर, कैसे पुरानी सियासत गर्माती हुई। Z News.